तो हेलो मेरे जिगर के टुकड़े लौंडे लोग, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ महिला को उत्तेजित करने का ऐसे पांच अंग। यदि आप उस अंग को टच कर दिए, उस अंग को आप छू दिए, तो महिला उत्तेजित हो जाएगी आपके साथ क्लोज होने के लिए, आपके साथ फिजिकल होने के लिए। आप किसी रिलेशनशिप में हैं, हाँ, आपकी गर्लफ्रेंड आपको यदि बुला ली, आओ मेरे घर में कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, तो भाई आपको क्यों बुलाई है? आपको अपने घर में अकेले, जब उसके घर में कोई ना हो, तब भाई कुछ ना कुछ तो बात होगा। आप वहाँ तो चले गए, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। किसी भाभी को आप पटा लिए, अब भाभी आपको अलग अलग तरह का इशारा दे रही है, हाँ, पर आप वो बात को नहीं समझ पा रहे। आपको लग रहा है ये चीज़ कहाँ से स्टार्ट करें कि वो हाँ कह दे, तो मैं आपको बताता हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको यही चीज़ बताने वाला हूँ कि महिला को या लड़की को उत्तेजित कैसे करें, सेक्स के लिए उत्तेजित कैसे करें। यदि आप भी जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा, तभी आप समझ पाइएगा, वरना अधूरा ज्ञान कोई काम का नहीं होता, आपको ही मालूम होगा। तो चलिए मैं आपका कीमती समय को वेस्ट किए बिना सीधा चलते हैं अपना टॉपिक पर। तो मेरे भाई, पहला है, किसी भी औरत हो या किसी लड़की, उसके गर्दन को एकदम प्यार से सुरा देना। अबे ऐसे मत करना, मतलब एकदम प्यार से लगना चाहिए कि हाँ एकदम वही बोला सुरान सुरा रहा। देखो ऐसे पकड़ना अलग चीज़ होता है, हाँ वो मुंड में आकर करना अलग चीज़ होता, वो मुंड वाला हिसाब से उसे टच करना, वो लड़की या औरत खुद समझ जाएगी कि हाँ ये बाबू को चाहिए, वो अंदर से ही ऐसा करने लगेगी, आप समझ जाओगे कि हाँ ये उत्तेजित हो रही है। और नंबर टू, उसके पेट में हल्का हल्का से एकदम सुराते रहना बाबू। लड़की को उत्तेजित करना है ना, भाभी को उत्तेजित करना है, तो ये सब पेट तो सबसे परफेक्ट है। औरत जो है बहुत जल्दी पेट छूने से, उसके नाभि को छूने से बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी उत्तेजित होती है, वो फिर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगी कि इसे कैसे रोकें, वो रोक ही नहीं पाएगी। नंबर थ्री, पीठ पे। भाई पीठ जो है ना बहुत नाजुक होता है, ठीक है, जैसे बच्चे का जो बॉडी होता है, बच्चे का पीठ में हल्का सा सुराना दे बहुत गुदगुदी लगेगा उसे, उसी तरह औरत का भी हो जाता है, लड़की का भी हो जाता है, ठीक है, औरत का और लड़की का और बच्चे का एकदम एक जैसा बॉडी होती है, एकदम कोमल, हल्का सा हाथ सहारा एकदम मुंड में आ जाएगी, तब भाई दसों उंगली घी में अब चाटते रहिए। चौथा है, जांघों पे। अब जांघों पे एकदम हाऊ वाला जांघ पर मत चल जाना, ठीक है, गुट्ठी देखिए ना, गुट्ठी घुटना, पैर में जो बीच में घुटना होता है वो घुटना के ऊपर एकदम बढ़िया से बस खाली सुहराते रहिए। ये सब जगह बता रहे टच कीजिए, सुहराइए, एकदम तुरंत फीलिंग्स हो जागेगा। यदि आपको फीलिंग्स जगाना है तो ये सब जगह जरूर टच करना मेरे भाई। औरत हो या महिला, अब जांग में यदि कर दो तो बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाती है, लेकिन भाई मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे स्टार्ट करना, अब तुम डायरेक्ट जांग पे मत चले जाना, वरना काम बिगड़ भी सकता है। पहले गर्दन पे, पेट पे, पीठ पे, उसके बाद आना है जांग पे। और नंबर फाइव, ओठ पे। तो मेरे भाई ये जो पांचवा ओठ पे है ना, उसे आप फर्स्ट में भी कर सकते हो, इससे भी लड़की या औरत बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाती है। तो ये फॉर्मूला आप अजमा सकते हैं,
जो पांच में है वो आप फर्स्ट में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट में करो या लास्ट में करो, रिएक्ट एक ही होगा, ठीक है। इसके फर्स्ट में भी कर सकते हैं, आपका इच्छा, ठीक है। तो यदि ये सब चीज़ कर दिए तो भाभी जो है या लड़की लंबी लंबी सांसें लेने लगेगी, ऐसा करने लगेगी मत पूछिए, आपको ज़ोर से जकड़ लेगी। हाँ, यदि आपको धीरे धीरे पकड़ने लगे, जोर जोर से सांसें लेने लगे, तो समझ लेना मेरे भाई, भाभी जो है, लड़की जो है, बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो चुकी है, उसके लिए तैयार हो चुकी है उस फीलिंग के लिए। हाउ फीलिंग, आज भर ढील दा ढूंढ तनी छील दा, आ गरम बिंज आज हमर हाउ वाला फील दा, समझ गया ना। तब जब गरम जो मिजाज करेगा ना, तबे ना हाउ वाला फील देगा। तो बाबू लग गाना वो ठीक है लिखता है, एक से एक लेखक लोग भी तो है भोजपुरी में, हम क्या है उसका सामने, कुछ नहीं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारा हर वीडियो आपके तक पहुंचाता है। जितना वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तक पहुंचाएगा सबसे पहले, वो भी सबसे पहले आप उसे देख पाएंगे, वो नॉलेज सबसे पहले आप ले पाएंगे। ओके, गुड बाय।